एक्शन से भरपूर ट्रेलर साहो फिल्म का ऐसा छाया कि सभी इसके फैन हो गए। हम सभी जानते हैं कि प्रभास की बाहुबली 1 बाहुबली 2 दोनों ही दुनिया में बहुत ही अच्छी कमाई के साथ पसंद की गई फिल्म थी। बाहुबली 2 ही ऐसी फिल्म है जिसने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाया था, तभी से प्रभास की फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान मीडिया प्रभास की साहो को लेकर भी तीखे तेवर अपना रही है। दरअसल कश्मीर से 370 धारा 35A धारा हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों को पूरे तरीके से बैन कर दिया है। हालांकि वो ये नहीं जानते कि भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान से इतनी कमाई भी नहीं होती, जबकि भारतीय फिल्मों से पाकिस्तान थिएटर्स में भीड़ तो देखने को मिलती है। पाकिस्तान ने साहो को बैन करके खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि बाहुबली ऐसी फिल्म थी जिसने पाकिस्तान बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। अब साहो को बैन करके पाकिस्तान ने खुद के थिएटर ही खाली करवा लिए हैं। हमेशा बॉलीवुड की फिल्मों से चलने वाला पाकिस्तानी थिएटर और पाकिस्तानी एक्टर्स अब पाकिस्तान सरकार के इस निर्णय से काफ़ी खफा हैं। पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर बढ़ चढ़ कर भारतीय फिल्मों को बैन होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान को ही इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी थिएटर में आज तक कोई भी पाकिस्तानी फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है, जबकि ये जादुई आंकड़ा केवल बाहुबली 2 ने ही पार किया है, वो भी पाकिस्तान में। ऐसे में साहो को पाकिस्तान में बैन करना, अब पाकिस्तानी जनता डिमांड कर रही है कि इस बैन को हटा दिया जाए। साथ ही थिएटर वाले भी चाहते हैं कि साहो लगे तो कुछ पैसा उनकी जेब में जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ये बेवकूफाना निर्णय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, और साथ ही अगर आप प्रभास और श्रद्धा के फैन हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर छोड़ें। और आपका क्या कहना है इस वीडियो पर पाकिस्तान के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें।